Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you another confusing prepositions, right? So aaj hum is particular session mein kuch aur confusing preposition ko study karne wale hain jisme rahegi under, beneath, below and down. My dear student, agar aap in charo ka meaning dekhna chahe to in charo ka meaning rahega niche या के नीचे, बट दिस ऑल आर डिफरेंट एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस, इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. बड़े ध्यान से इस सेशन को आपको देखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द अंडर. सबसे पहले हम अंडर से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन रहेगा आज का अंडर. देखिए, अंडर के केस में क्या होता है, नो फिजिकल टच बिलो टू ऑब्जेक्ट्स, यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल टच नहीं होता है तो उस केस में हम यूज कर लेते हैं अंडर. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक अंडर द फैन. अगर आप देख पा रहे इस इमेज को देखें तो यहां पर मतलब आई एम रीडिंग अ बुक अंडर द फैन, तो मैं मेरा जो पोजीशन है फैन के नीचे है, लेकिन यहां पर कोई फिजिकल टच नहीं है. No physical touch is there. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल टच नहीं होता है और एक चीज जस्ट दूसरी चीज के नीचे होती है, but there is no physical touch, तो वहां पर आप यूज करेंगे अंडर. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, He was taking a nap under the tree. अब यहाँ पे मान लो राम है, ये क्या कर रहा है, taking a nap. Taking a nap का मीनिंग हो गया आराम करना. तो क्या है, पेड़ के नीचे है लेकिन देर इज नो फिजिकल टच, तो यहां पर भी फिजिकल टच नहीं है, तो इसलिए हमने यहां पर अंडर का यूज किया है, राइट. राम पार्क्ड हिज कार अंडर द फ्लाईओवर. ये फ्लाईओवर दिखाई पड़ रहा है, उसने अपनी कार फ्लाईओवर के नीचे क्या की, पार्क की. तो देर इज नो फिजिकल टच अगेन, यहां पर भी कोई फिजिकल टच नहीं है. तो इन शॉर्ट अंडर का यूज कहां पे करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है बट नो फिजिकल टच, और वहां पे कोई भी फिजिकल टच नहीं होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अंडर. अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब रहेगा नीचे या के नीचे. हालांकि इसका मतलब तो सेम ही होता है, सभी का मतलब सेम ही होता है कि नीचे के नीचे, राइट. लेकिन अंडर के केस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है एंड देयर इज नो फिजिकल टच एट ऑल, और उनके इसमें कोई फिजिकल टच नहीं होता है, राइट. अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रेपोजिशन जो रहेगा हमारा, बीनियत या अंडरियत. देखो दोनों का मीनिंग सेम होता है, बीनियत या अंडरियत दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों ही एक दूसरे को यूज किया जा सकता है, बट जनरली अगर मैं बात करूं बीनियत ये थोड़ा ज्यादा यूज में होता है, अंडरियत का भी मीनिंग सेम ही होता है. जैसे अंडर की केस में क्या था, फिजिकल टच नहीं होता है, बट इन केस ऑफ बीनियत इसमें फिजिकल टच होता है. दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, फिजिकल टच होगा, राइट. तो उस केस में हम यूज करेंगे बीनियत या अंडरियत, राइट. इसका भी लिटरल मीनिंग की बात करें तो नीचे या के नीचे ही इसका मीनिंग होता है. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स. देखिए, शी हिड माय फोन बीनियत या अंडरियत द पिलो. अगर आप ध्यान से देखें इस इमेज को, ये मेरा फोन हो गया और जस्ट इसके ऊपर एक पिलो है, तो डेफिनेटली सी बात है मैंने यानी पिलो के नीचे अपना फोन छुपाया या उसने मेरा फोन पिलो के नीचे छुपाया, तो अब ये जो है जो पिलो है वो क्या कर रहा है, इस फोन को टच भी तो कर रहा है ना, तो डेफिनेटली सी बात है जब फिजिकल टच होगा तो वहां पर आप यूज करेंगे बीनियत के नीचे, यानी पिलो के नीचे तो फिजिकल टच भी है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीनियत या अंडरियत दोनों यूज कर सकते थे, दोनों में से एक यूज करना आपको, बीनियत या अंडरियत, बट देयर शुड बी फिजिकल टच, वहां पे फिजिकल टच होना जरूरी होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ कॉइन बीनियत या अंडरियत योर फीट. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फीट हो गया आपका, उसके जस्ट नीचे एक कॉइन है, तो दोनों में क्या है, अगर आप बात देखें फीट और कॉइन के बीच में एक फिजिकल टच है, तो जब फिजिकल टच होगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को नीचे ले, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है लेकिन उसमें फिजिकल टच होगा, तो वहां पर हम बीनियत या अंडरियत यूज कर लेंगे. तो यहां पर भी हम बीनियत या अंडरियत यूज कर लेंगे बिकॉज यहां पर एक फिजिकल टच है, किसके बीच में, फीट के और कॉइन के बीच में. स्प्रेड द न्यूज पेपर अंडर द टेलीविजन. अब देखो ये एक इमेज देखें, अब ये न्यूज पेपर है, राइट,
ये न्यूज़पेपर हो गया और ऊपर है टीवी। अब अगर ध्यान से देखो, टीवी और न्यूज़पेपर के बीच में एक फिजिकल टच है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्प्रेड द न्यूज़पेपर अंडर द टेलीविजन। तो यहाँ सॉरी अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिनियत, क्योंकि फिजिकल टच है। क्या आ जाएगा? बिनियत। क्या हो जाएगा? स्प्रेड द न्यूज पेपर बीनियर द टेलीविजन। बीनियत क्योंकि फिजिकल टच है ना यहाँ पर, तो जब आप फिजिकल टच होगा तो वहां पर आप यूज कर लेंगे बीनियत या अंडियत। तो राइट, तो यहाँ पर भी फिजिकल टच है, तो इस वजह से हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बीनियत। तो अभी तक हमने दो ही प्रेपोजिशन को सीखा है, पहले अंडर। अंडर के केस में क्या होता है? अंडर के केस में नो फिजिकल टच। अंडर के केस में नो फिजिकल टच, तो कोई फिजिकल टच नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करें बीनियत या अंडियत की बात करें, तो वहां पर फिजिकल टच होता है। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड व्हिच इज, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्लाइड जो हमारी है बिलो। देखो बिलो के केस में क्या होता है, बिलो के केस में यहाँ पर कोई फिजिकल टच नहीं होता है, या फिजिकल टच हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन रिलेशन होना चाहिए। मतलब फिजिकल टच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो दो चीजें होंगी, मान लो एक चीज है या दूसरी जो चीज है, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, कोई ना किसी भी तरह का कोई, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिलो यूज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल, देखते हैं द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो ये जो आंसर है किसका? गिवन बिलो। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है, यानी जो आंसर है वो किससे रिलेट कर रहा है? वो क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जब आपका आंसर क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, राइट, तो वहां पर क्या रिलेशन ही हुआ ना, ये रिलेशन हो गया। और जब रिलेशन की बात करोगे तो वहां पर बिलो यूज कर लोगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कीप द रिमोट बिलो द टेलीविजन। अब ये जो रिमोट है वो किसे? टेलीविजन से रिलेट करता है, हालांकि इसकी पोजीशन भी नीचे है, लेकिन ये किससे? टेलीविजन से रिलेट करता है, तो रिमोट हो गया, ये टेलीविजन से रिमोट ये क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। जब रिलेशन होगा, फिजिकल टच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, तभी आप बिलो यूज करेंगे। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये ट्री हो गया और उसके ये रूट्स हो गए एक तरह से, राइट, अब डेफिनेटली सी बात है इनके बीच में क्या एक रिलेशन है। जब रिलेशन होगा तो आप बिलो यूज कर सकते हैं, जैसे देयर इज द रूट बिलो द ट्री। अब यहां पर अंडियत या बिनियत यूज नहीं कर सकते हैं, रीजन व्हाई? बिकॉज ये जो रूट है वो किसकी है? इसी ट्री की है, तो डेफिनेटली सी बात है इनके बीच में एक रिलेशन है, और जब रिलेशन होगा तो उस केस में आप यूज करेंगे बिलो, राइट। तो ये हमारा थर्ड क्या था, ये हमारा थर्ड प्रेपोजिशन था आज का, बिलो, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रेपोजिशन व्हिच इज डाउन। देखो डाउन का भी लिटरल मीनिंग अगर मैं बात करूं, नीचे या के नीचे है, राइट, लेकिन डाउन के केस में क्या होता है? स्पीड होना चाहिए या मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, तब आप यूज करेंगे डाउन, राइट। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। अब ये पोजीशन को देखो, यहाँ पे ये था और यहाँ से मोशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डाउन तो है, लेकिन यहाँ पे साथ के साथ क्या मोशन भी है या स्पीड है। जब मोशन या स्पीड की बात करेंगे तो नीचे की तरफ, तो उस केस में आप यूज करेंगे डाउन, तो ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे, अब यहाँ पर भी मोशन दिखाई पड़ रहा है, स्पीड दिखाई पड़ रही है, राइट, राम कमिंग डाउन द ट्री। अब जस्ट इमेजिन करें कि बहुत ज्यादा क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और राम क्या कर रहा है? ट्री के अंदर जा रहा है, तो आप बोलोगे राम इज कमिंग डाउन द ट्री, तो ये मोशन के साथ यहाँ पर गया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? हमने डाउन को यूज किया है, राइट। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।